क्या हुआ? लगता है कोयल का मसला बन गया है। मैं चेक करता हूँ। पता चला? कोयल का मसला है यार, एक प्लग को ग्राउंड नहीं जा रहा। एक तो पहले लेट हो रहे थे, ऊपर से ये गाड़ी खराब हो गई है। वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, 2 दिन पहले तो उसे ठीक करवाया मैंने, फिर से वही मसला बन गया। अब क्या होगा, कैसे ठीक होगी? चलो तुम परेशान नहीं हो, सामने ढाबे वाले से पूछते हैं, इधर आसपास शायद वर्कशॉप हो। आजो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। भाईजान यहाँ कोई आसपास मैकेनिक या कोई वर्कशॉप है? नहीं, इधर आसपास नहीं है भाई। अब कोई परेशानी है भाई? जी भाई साहब, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। मेरे पास एक मैकेनिक का नंबर है, अब वो ले लें, वो आ जाएगा। जी जी जरूर। 321 जी, थैंक यू सो मच सर जी। चलो उसे कॉल करते हैं। ओके ठीक। कब तक आएगा मैकेनिक? इतना टाइम हो गया है। आधे घंटे का बोला था उसने, आधा घंटा तो वैसे हो ही गया है। लगता है आ गया। वालेकुम सलाम। जी आपने कॉल की? जी भाई मैंने ही कॉल किया आपको। क्या मसला है? यार 2 दिन पहले इसकी कॉइल चेंज करवाई मैंने, शायद फिर से वही मसला बन रहा है, जरा चेक करेंगे। सर कोयल का ही मसला है सर, 5,000 रुपये लगेगा। 5,000? ये छोटे से मसले का 5,000 मांग रहे हैं आप? 5,000 में तो 5 न्यू कोयल जा जाएंगी। अल्लाह के बंदे, 2 दिन पहले 1500 में 2 कोयल चेंज करवाई है मैंने, और तुम ठीक करने के 5,000 मांग रहे हो। देखो यार, जो बनते हैं वो लो, 1000-1500 रुपये का काम है सारा। देखिए साहब, मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, आपने ठीक करवानी है तो बताएं, मेरा टाइम ना जाया करें। एक तो मैं इतनी दूर से गैराज छोड़ के आया हूँ, ऊपर से मैं अपनी मजदूरी भी ना पूरी लूं, 5,000 से कम नहीं होगा। चलो यार 2,000 ले लेना, कर दो ठीक। देखे जनाब, 5,000 देना है तो ठीक है, वरना किसी और को बुला दे। 5,000 तो मैं तुम्हें नहीं दे रहा, मैं बुला देता हूँ किसी और को। चलो मर्जी आपकी। दूसरा मैकेनिक पता नहीं कब आएगा, हम ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं, इसी से करवा लें ठीक, दे दें से 5,000। भाई साहब बात सुनिएगा जरा, जी ठीक है यार, कर दें ठीक, ले लेना 5,000। अब तो 5,000 नहीं लूंगा, 7,000 रुपये लगेगा। देखो अब तुम ये ज्यादती कर रहे हो, हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो तुम। देखो साहब, हमने भी 2 पैसे कमाने हैं या नहीं? ठीक है भैया, आप करें ठीक, 7,000 ले लेना, करें आप जल्दी करें बस। जी ठीक है, जल्दी करें भाई साहब। बैठे आप।
ये ले साहब। होगी सर। ठीक है, तुम्हारा नंबर मेरे पास है, पैसे में तुम्हें जायज कैश कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक। ठीक है सर। ओके जी, गराज मालक आया, आपको बुला रहा है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जी? मियां साहब मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। कैसा चल रहा है काम? काम शाम तो बहुत अच्छा चल रहा है मियां साहब। देखो पप्पू, बात कुछ यूं है, काम तो तुम्हारा ठीक चल ही रहा है, इस मांगराज का किराया 30,000 ज्यादा लूंगा। मियां साहब आप ये क्या कह रहे हैं? 3 माह पहले तो आपने 5,000 किराया भराया था। देख पप्पू, अगर तू किराया नहीं ना भर सकता तो मेरा गैराज खाली कर दे। मियां साहब बड़ी मुश्किल से मेरा काम स्टैब्लिश हुआ है, मैंने इतने पैसे लगा दिए काम के ऊपर, मेरे कस्टमर लगे हुए हैं, आप ऐसे करोगे तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। ये मेरा मसला नहीं है मियां साहब, आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मजबूरी? वाह, तुमको अपनी मजबूरी का तो बहुत दर्द है, और जो तुम दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हो वो मैं समझा नहीं मियां साहब। कल ढाबे पे काम करने गए थे, मेरे भाई ने तुम्हारा नंबर दे के बुलवाया था तुम्हें, और जो कुछ तुमने वहां किया सब कुछ बता दिया मुझे। अब बता, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया कि नहीं? जी मियां साहब, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ आइंदा मैं किसी की मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठाऊंगा। देखो, अगर किसी का रास्ता हमवार नहीं कर सकते तो किसी के रास्ते का कांटा भी ना बनो। बहुत अच्छे तरीके से समझ गया मियां साहब, आइंदा मैं कभी भी ये गलती नहीं करूंगा। अच्छा मियां साहब, आपने मुझे माफ कर दिया ना, अब तो नहीं किराया बढ़ाएंगे। ये तो अब आवाम फैसला करेगी कि तुम्हें माफ किया जाए या तुम्हारा किराया बढ़ाया जाए।